श्रीमद्भागवत महापुराण की राजा रामचंद्र भगवान की सद्गुरु देव महाराज की गंगा यमुना मैया की सर्वदेवमयी श्री गौ माता की भारत माता की श्री त्रिवटीनाथ भगवान की भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री राम जय जय परखलीश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछ कल्पतरु तड़द्युति विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरिण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति श्री राधा माधव की महती कृपा के फलस्वरूप राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में त्रिवटीनाथ भगवान की पवित्र सन्निधि में श्रीमान वीरेंद्र प्रेमलता खंडेलवाल जी के प्रधान यजमानत्व में और आप सब लोगों की पवित्र उपस्थिति में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक पावन भक्ति अनुष्ठान के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बोले नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्रादो महामना आहुय विप्रां वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने सती नंद जी के आत्मज हुआ है। आत्मना जायते पुत्र इति वेदानुशासनम इसलिए नंद जी के आत्मज हुआ है। और जाता हादो महामना नंद महान मन वाले हो गए। आहुई विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत बड़े बड़े दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया और नंद बाबा ने गोविंद के जन्म की खुशी में 200,000 गायों का दान किया ऐसा लिखा है। धेनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ सात कौंभांबरावृतान 200,000 गायों के सींग में सोना मड़कर के और चरणों में खुर बनाकर चांदी के पक्का जड़ाव की एकदम चदरिया उड़ाकर बाबा ने 200,000 गायों का दान किया। 200,000 गाय दान करी
और पूरे ब्रज में आनंद की खुशी छा गई। गोपियां समृष्ट मणिकुंडल निष्के कंठ चित्रांबरा पथसिकाक्ष कमाल्य वर्षा नंदालियम सबलिया ब्रजत्रि विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। हमारे ब्रज की गोपियां सज धज करके आई, छोटी बालिकाएं सजी, किशोरियां सजी, युवतियां सजी, और जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है वो भी सोलह श्रृंगार करके आई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि गोविंद के लिए सजना है ना, दुनिया के लिए थोड़ी सजना है। और आकर के देखा पलना में कन्हैया विश्राम कर रहे हैं। इतना सा कृष्ण, अब माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है? नजरानी हमारो आशीर्वाद है आपको, लाला हजार बरस तक जीवे, ये तो क्लियर है, बढ़िया लगता है। लेकिन इन्होंने आशीष कैसा दिया? किताशिष प्रयुं जाना चिरं पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्वि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। बहुत ध्यान से सुनना, सुखदेव स्वामी के शब्दों पर ध्यान देना। कहना चाहिए नजरानी हमारो आशीर्वाद है, हजार बरस तक आपका लाला जीवे। भाई ये तो ठीक है, लेकिन मुंह से निकल क्या गया मालूम है? नजरानी हमारो आशीर्वाद है, हजार बरस तक तुम्हारा लाला हमारा पालन करे। बोलो जय श्री कृष्ण। चिरम पाही थी बालके, हमारी रक्षा करे। ऐसा बोल गई। अरे दस बारह घंटे का लाला क्या रक्षा करेगा तुम्हारी? लेकिन ये गोपियां तो वेद के मंत्र हैं ना जी, चिरम पाही ति बालके। और फिर क्या किया? बोलो हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्तो जनमुज्जगु। हल्दी को पीस करके हल्दी का चूरा दही में मिला के उसमें तेल और डाल दिया। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी और सिंचन्तो जनमुज्जगु, एक दूसरे पर सींच रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, भाव से गा रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसी विचित्रता उनके मन में समा गई महाराज। इतने भाव से उस ब्रज की गोपियां गा रही हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, लाला के जन्म की खुशी में गोपियां बर्फी बन गईं। बर्फी समझते हैं? तो बरेली तो है, कोई अमेरिका थोड़ी है जो बर्फी भी नहीं समझेंगे। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। मिठाई हो गए सब, तो नमकीन तो चाहिए कि नंद महीप बने नमकीन। राजा नंद नमकीन बन गए कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। जोर से बजाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला।
पूत सपूत जन्यो यसुधा। इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हु कीमत बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद जी नंदो महामनास्तेभ्य बाशो लंकार गोधनम। बाबा नंद ऊंचे टीले पर चढ़कर दोनों हाथों से लुटा रहे, हीरे जवाहरात सोना चांदी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, ये सोने चांदी कई तो हैं सब। कई जगह तो हम लोग कथा करते हैं तो 10-10, 15-15 किलो चांदी के लोग खिलौने बनवाते हैं लुटाने के लिए, और स्पेशल सिक्का बनवाते हैं चांदी का, उसमें लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव डेट इतना, वो प्रसाद के रूप में व्यास गद्दी से सबको दिया जाता है, और उसको लोग तिजोरी में रखते हैं ना तो पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण जन्म महोत्सव के 18 मंत्र हैं। अभी जो मैं बोलना था ना कुछ नंदस्वात्मजोत्पन्ने से लेकर ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजस्य सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडमभून्नप, ये 18 मंत्र हैं कृष्ण जन्म महोत्सव के। इनका कोई व्यक्ति घर में रोज पाठ कर ले, एक बार रोज कोई व्यक्ति सुबेरे नहाकर इन 18 मंत्रों को पढ़ ले, इतने धन की वृद्धि होगी कि गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव में खूब लुटाते हैं, और जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा, और जिनकी तरफ से लुटेगा उनका इतना बढ़ेगा कि पूछो मत। बोलो जय श्री कृष्ण। नियम है। हम लोग कल कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे, खूब आनंद मन रहा था। अब इतने में नंद बाबा के द्वार पे एक ढाणी को आए गए। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। हमारी ब्रजभाषा का बड़ा सुंदर पद है रिसकों की वाणी, ध्यान से सुनना। ये ढाणी ढाणिन होते हैं। हमारे यहां जब बालक जन्म लेते हैं तो ढाणी ढाणिन आते हैं, मंगल गीत गाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और द्रव्य लेते हैं। आप उनको ढाणी ढाणिन मत समझ लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये ढाणी ढाणिन बड़े समझदार, बड़े सभ्य, बड़े शिक्षित होते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो, कहे सब परिवार पठायो। बाबा प्रणाम करूं। नंद बाबा ने किया, अरे ढाणी के कैसे आयो भैया, बोल। बोले बाबा आपके घर को बहुत पुरानो ढाणी हूं, और आज मोकू पतो चली कि यजमान के घर बेटा भयो है, तो मैं भी कछु बधाई लेवे के ताई आए गए। बाबा ने की कहा चाहिए बोल। बोले बाबा आज तो मैं आयो तो घर के सब सदस्य बोले, हमारे लिए ये लइयो, हमारे लिए ये लइयो, हमारे लिए ये लइयो। तो बाबा मैं सबके लिए मांग बे आया हूं कि मेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए असी शादी जो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे नी जो।
मेरे पिताजी ने कही कि लाला हुआ है नंद जी के घर, 200 भैंस हमारे लिए दान में लेकर के आना। बाबा बोले भैया भैंस तो हम रखे ना है, फिर भी तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। उनकी बात मानकर जब मैं आवे लगे तो तापाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। पिताजी की बात मानकर मैं आवे लगे तो पिताजी के बड़े भैया मेरे ताऊ जी बोले भाई नंद जी के लाला भयो है हमारे लिए 700 गऊ दान में लइयो। बाबा ने कि चोरे तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले बाबा एक कम है, 99 के हो गए। बाबा बोले तो मरघटान पर लकड़िया तो उनकी बाट देख रही है, 700 गैयान को दूध पी के का जवान बनेगो? बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आ रही है ना ब्रजभाषा? बोले बाबा जैसी बिन्ने कही मैंने आपसे कह दी नहीं, ठीक है 700 गैया तेरे ताऊ जी के लिए देंगे। बाबा ताऊ की बात मान करके मैं आयो तो मेरो बड़ो बेटा है का है वो मांगे कि मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई तैसे ताके साथी वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने लाला के जन्म की खुशी में हाथी मांगो, बाबा ने की देंगे, हाथी की व्यवस्था करके जरूर देंगे। बाबा बाकी बात मानकर में आवे लगे तो छोटो रूठ गए कि छोटो सुत चंचल अति मेरो अरे लाड़ चाब को जोड़ा बाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। मेरे छोटे बेटा ने लाला के जन्म की खुशी में 10 घोड़ा मांगे हैदराबादी दान में। अच्छा चलो 10 घोड़ा देंगे। और बाबा उनकी बात मानकर मैं आवे लगे हो तो मेरी पुत्र वधु है ना, बड़े बेटा को मैंने ब्याह कर लियो है, तो पुत्र वधु कभी बोली नहीं हमसे और वाकू पतो चल गई कि यजमान के घर बेटा भयो सो घूंघट में से बोल गई कि बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली सहत कहार पाल की लय हो तीहर सहती चोली। मेरी पुत्र वधु बोली कहारों के सहित पालकी चाहिए, अब पालकी में बैठ करके लाला को आशीर्वाद देने जाऊंगी और परली तरफ से पालकी में भर के गहना लेके आऊंगी और तीहर की चोली मेरे को चाहिए। बाबा ने कही जरूर देंगे, अरे जैसे तुम्हारी पुत्र वधु वैसे हमारी भैया क्यों नहीं देंगे, अब बच्चे ऐसी खुशी में ही तो मांगते देंगे। बाबा पुत्र वधु की बात मानकर मैं चलवे लगे मेरी एक ही तो बेटी है वो तो रूठ करके द्वार पे आके खड़ी हो गई। मैंने की कहा बात है लाली, बेटी एक लाढ़ली मेरी चलत आए भई ठाड़ी नकसक लो गहनो सब ले हो सोचो भरायो गाड़ी। नक्शे सिक तक गहना चाहिए, कसम देकर जाओ पिताजी नक्शे सिक तक गहना लूंगी नंद जी के घर से। बाबा ने की क्यों नहीं देंगे, अरे हमारे घर तो बेटी है ही ना भैया, तेरी बेटी हमारी बेटी देंगे जरूर। बाबा सबकी बात मानकर आयो, मेरी बेचारी बूढ़ी अम्मा 90 साल की मेरी मां आ गई,
मेरी माता कहो दही धर आगे। अरे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुर न मांगे भीख। मेरी माँ ने कहा ऐसा दान लेके आना बेटा कि फिर हमें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। नंद हमारे ब्रज के राजा और हमारे यजमान है, और यजमान के घर भी जब तक मांगने का अवसर नहीं आवे तो कैसे मांगे। आज अवसर है इसलिए मांग रहे हैं। बाबा मां की बात मानकर सबकी बातें लिख करके मैं चला, सो पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो। अब आप सोचो ऐसी आवाज में कौन बोल सकता है, बोलो जय श्री कृष्ण, सिवाय हाई कमान के किसी की हिम्मत है कोई ऐसे बोल जाए। अरे हमने कहा देवी क्या बात है, दो घंटे से सुन रही हूं, कोई हाथी मांग रहे हैं, कोई घोड़ा मांग रहे हैं, कोई बैलगाड़ी भर के गहने मांग रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अरे हमने कहा हमारे यजमान नंद जी के लाला भयो हैं, तो भगवान बधाई देने बधाई लेने जा रहे हैं। तो तब बोली मेरी घरवारी, उसने कितनी बड़ी शिक्षा दी कि तब बोली मेरी घरवारी, अज नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर आइयो। मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई बैलगाड़ी भर के मांग रहे हैं, कोई 700 गैया, कोई 200, कोई कुछ है, है? नहीं, नंद जी हमारे यजमान हैं, और जाकर के बेटे को आशीर्वाद देना, उनका पुत्र प्रसन्न रहे। और नंद जी तुम्हें जो कुछ भी प्रेम से दें उसको सिर से लगा के लाना, कोई आग्रह मत करना कि हमको ये चाहिए, हमको इतना दीजिए। ठीक है देवी, ये बात महामनानंद बाबा ने सुनी तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए। यह सुने हंसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुन्यो काहू सो, दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने कहा तेने मांगो ही कहा है भैया, जितना उस धाणी ने मांगा उससे दुगना दुगना करके नंद जी ने उसको दिया। क्योंकि जन गोविंद बलवीर बराई, कहें सुने जो गावे, धर्म अर्थ और प्रेम पदार्थ क्रियन सहित सब पावे। ऐसा महाराज ब्रज में आनंद मनने लगा, प्रसन्नता की अनुभूति कौन वर्णन करे। नंद बाबा ने कहा भाई 6 दिन को लाला है गयो, अब आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं तो कंस को वार्षिक कर देवे के ताई जाऊं। नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए तो वहीं वसुदेव जी मिल गए मथुरा में, और वसुदेव को गले लगा करके नंद जी बहुत रोए, भाई लगते हैं ना, कजन है कजन। वसुदेव जी बोले आपके घर लाला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये उनको बधाई दे रहे, नंद बाबा रोने लग गए। क्या होते देव की पुत्रा, कंसेन बहुबो हता, एका वशिष्ठा बरजा कन्या सापि दिवंगता। भैया बड़ा दुख भयो, तुम्हारी पत्नी के यहां जितने बालक भय दुष्ट कंस ने सब मार दिए, और हमने सुनी बाद में एक लाली भई वो भी स्वर्ग में चली गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो छोटो बेटा वो भी हमारो ही, ऐसे कहें तो पुल पट्टी खुल जाए। वसुदेव जी बोले नंद जी अब रोने से मिलेगा भी क्या। वसुदेव जी थोड़ा शहर में रहते हैं तो उनकी भाषा थोड़ी चेंज है,
नंद जी खांटी ब्रजवासी हैं तो उनकी भाषा ब्रज की है। वसुदेव जी बोले रोने से मिलेगा विख्यानंद जी, भाई जी अब एक बेटा तो मेरा आपके घर में है ही रोहिणी के साथ में, अब रही छोटे वाले की बात तो क्यों मन को छोटा बनाए, हम तो छोटे वाले बेटे को भी अपना ही मान लेंगे। नंद बाबा ने कही मन में बिल्कुल विचार मत करियो भैया, छोटे बारो भी तुम्हारो ही है। बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसा ढांढस बंधाने को बोल देते। वसुदेव जी बोले पर ज्यादा समय तक आपको मथुरा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले, असल में कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुलाकर के कंस ने कहा था भाई मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है और वो बड़ा होकर के मुझे मारे, उसके पहले उसको खत्म करना है, तो कृष्ण को खत्म कैसे किया जाए। सैनिक लोगों ने कहा देखो जी कृष्ण मीन्स विष्णु, और विष्णु का कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं, हम उसको मारने कैसे जाएंगे। हमने सुना है विष्णु वहीं रहता है जहां सनातन धर्म है, और सनातन धर्म कहां है, जहां गौ सेवा, जहां संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, वहीं सनातन धर्म है। हम लोगों ने निश्चय किया है क्या कि जितने पंडित जी हों, जितने बाबा जी हैं, सबको पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंकेंगे। हाँ, बाबाओं की झोंपड़ी में आग लगाएंगे, पंडित जी को जमुना में फेंकेंगे, क्योंकि वो विष्णु है ना महाराज, सबको बर्दाश्त करता है, ब्राह्मण संतों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, जहां भी विष्णु छुपा होगा इनको बचाने के लिए सामने आ जाएगा, और सामने आ गया तो हमसे बच के जा नहीं सकता। हमारा सुझाव कैसा है, ऐसा कर ले। कंस ने कहा खबरदार जो ऐसा किया तो, बड़ा सुझाव दे रहे हो, ब्राह्मण संतों का अपमान करोगे ना तख्त पलट जाएगा, और बड़े बड़ों का तख्त पलटते देरी नहीं लगती, और कोई उपाय बताओ। एक बोले तो मैंने भी एक उपाय सोचा है, वो आकाशवाणी बोल रही थी रात को कि आपके शत्रु कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया है, अब एड्रेस तो बताया नहीं, गांव घर तो बताया नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं वेश बदल बदल करके ब्रज के गांवों में जाते हैं, और एक महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया मार देंगे, और एक महीने के अंदर जितने बालक जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे, उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंस ने कहा ये तो तुम लोग ठीक बोलते हो, लेकिन घर में घुसने कौन देगा, ये भयंकर काला काला तुम लोगों का शरीर कौन घुसने देगा तुम्हें घर में। सब बगल में खड़ी थी कंस की धर्म बहन पूतना जी, ये साउथ अफ्रीका से आई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, 5-5 इंच के तो दांत थे उनके, स्पेशल मॉडल था। बोलो जय श्री कृष्ण। 25 फुट लंबा शरीर, तगड़ा, 10,000 हाथियों का बल। पूतना बोली ये सेवा मुझे दे दो आप, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने। कंस ने कहा बहन जी बोलती तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आप धर्म बहन हो, लेकिन कौन घुसने देगा तुम्हें घर में। पूतना बोली उसकी चिंता मत करो, मेरे को वेश बदलना आता है, राक्षसों की माया और पूरी राक्षस माया की मैंने ट्रेनिंग लिया जंगलों में, आप चिंता मत करो, वेश बदलना आता है मुझे, फिर भी लगे कि मुझे कोई पहचान सकता है तो मैं घूंघट भी लगा सकती हूं, और घूंघट लगाकर रखे बिल्कुल गांव की गोपी बन के भी जाना मेरे को आता है। कंस ने कहा घूंघट में जाओ तो शायद हो सकता है, घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अब भाई लोग जो है ना वो कथा में ज्यादा सो नहीं सकते, एक तो हम लोगों की नजर भाइयों की ओर ज्यादा रहती है, फिर उनके पास में सोने की कोई सुविधा भी तो नहीं है।
ये सुविधा तो मेरे गोविंद ने परम कृपा करके हमारी मातृशक्ति को प्रदान कर रखी है। इनको कथा में जब भी नींद आती है ना, बहुत सुंदर घूंघट लगा लेती है, बात खत्म। न व्यास जी का डर, न पड़ोसी का डर, 4 घंटे की समाधि। और महाराज इतने भाव से सुनती हैं आंख बंद करके। अच्छा, कभी कभी तो मैं देखता हूं एक माता कोई सो जाए तो बगल की माता इशारा करती है, सो रही हो? तो कहती नहीं नहीं, हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रही, हम कोई ऐसे थोड़ी ना सुनते हैं, हम तो पूरा घट में ही उतार लेते हैं भीतर, बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना ने घूंघट लगा लिया और ऐसी सुंदर गोपी बनकर के गई, किसी को पता ही न चले, मिश्रानी सी लगे। अब यहां गोकुल में आज 7 दिन का हो रहा है मेरा गोपाल, ओनली 7 डेज। सब लोग गा रहे, नंद घर आनंद भयो जो कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, सब गा रहे। अच्छा, भीड़ में पता थोड़ी चलती है। अब तो हम लोग बड़े सावधान हो गए, नहीं पहले दिल्ली में कृष्ण जन्म जिस दिन होता था उस दिन अनाउंस होता था, देखो आज 5 माताओं की गले की जंजीर टूट गई है, जिस किसी को मिले वो प्लीज मंच पर पहुंचाएं। मैंने कहा बिल्कुल सतयुग है, अभी ला रहे हैं सब लोग। इतने बटुए निकल गए, इतने, क्योंकि अब कई माताएं तो बड़े भाव से नाचती हैं, उनको पता थोड़ी बगल में क्या हो रहा है। तो भीड़ में कोई राक्षस भी आ जाए तो पता चलती है क्या? अब महाराज नंद जी के द्वार पे हजारों लोगों की भीड़, नंद बाबा तो गए हैं मथुरा, और उसी भीड़ में पूतना आ गई। लंबी तगड़ी थी, बढ़िया वस्त्र पहन के आई। हमारे ब्रज में कोई नए कपड़े पहन के आवे ना तो लोग छत पे खड़े होके देखते हैं कहां से आयो। तो अब नंद बाबा के मन में थोड़ो विचार भयो, अब ठीक हो रहा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बोलो भैया कौन है ये अम्मा जी, एक बोलो तू ना जाने, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होएगी, लाला को आशीर्वाद देवे आइए। तो सबने रास्ता छोड़ दिया, रास्ता दे दिया, और पूतना भी सीधी पलना के पास ही चली गई। मां यशोदा को प्रणाम किया, मैया बोली आओ बहन पधारो, कहां से आई? बोले अजी आई कहां से, मेरे पति लाला को आशीर्वाद दे गए, मैंने सोचा मैं क्यों वंचित रहूं सो मैं भी आ गई। मैया बोली तुम पंडितानी दिखो, मेरे पाम काई कुछ छी ली आपने, अरे हम तो क्षत्रिय हैं आप ब्राह्मण हैं। अब पूतना को यह थोड़ी पता था, ट्रेनिंग में यह थोड़ी बताया गया था कि पंडितानी बन के जाए तो पैर नहीं छूने चाहिए, ब्राह्मण को किसी के भी पैर छूना मना है, ये शास्त्र का नियम है। हाँ, ब्राह्मण केवल दंडी स्वामी के पैर छू सकता है। दंडी स्वामी समझते हैं, जो सन्यासी होते हैं दंडी स्वामी, क्योंकि दंडी स्वामी सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया, संध्या वंदन गायत्री करे, वो दंडी स्वामी के अलावा किसी के भी पैर छूना मना है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। यदि अन्य किसी व्यक्ति का पैर ब्राह्मण छूता है गायत्री मंत्र जापक, तो जिसके वो पैर छूता है ना, उस पैर छूने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण, ये नियम है। इसलिए प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा लोग भी ब्राह्मण की छोटी सी बेटी भी आवे तो उसके चरण छूते थे, बोले नहीं नहीं हम ब्राह्मणों से पैर नहीं छुबाएंगे, ऐसा नियम है। मैया बोली आपने पाम काई को छी लिए मेरे, देखो पाप लगाओगी मोकू। पूतना बोली कोई बात ना, तुम बड़ी बूढ़ी हो, छूले तो काए गए। मैया ने कहा आप लाला को आशीर्वाद देने आई हैं, बहुत भीड़ लगी है मेरे द्वार पे, पतिदेव गए मथुरा टैक्स देने कंस को,
तो मैं थोड़ा अतिथि सत्कार करूं, लाला पलना में सो रहे हो, तुम आशीर्वाद दे दो। पुत्रा बोली आप जाओ, आप अतिथि सत्कार करो, आशीर्वाद तो हम दे ही देंगे, आई काई को है। मैया ने विश्वास कर लिया, बाहर चली गई और पूतना आई पलना के पास। पलना में 7 दिन का कृष्ण लेटा हुआ और छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे। पूतना ने पलना में ऐसे देखा और अपने चेहरे से कपड़े को हटाया, जैसे ही मोटी मोटी आंखों से देखा, कन्हैया ने ऐसे देखा और ऐसे कर लिया। भागवत में लिखा है स निमीलित क्षण, भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली, 7 दिन का कृष्ण। तो परीक्षित ने पूछा आंखें बंद क्यों करी, बोले भगवान ने सोचा होगा 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार, इन दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी अम्मा से ही पाला पड़ गया, बताओ राम जी ने सबसे पहले किसको मारा, बोलो, ताड़का को, और कन्हैया के सामने सबसे पहले आ गई है ना दोनों अम्मा। भगवान बोले यही 2 अवतार जरा ठीक ठाक हैं और दोनों में पहले राक्षसी आ गई, इसने आंख बंद कर ली। या तो भगवान ने अपने मन में सोचा होगा अरे हम तो कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में गया नहीं, ये पूतना मौसी जहर देने आ गई, ये अपने दोनों स्तनों में जहर लगा के आई थी, जहर का लेप लगा के आई थी कि कृष्ण को गोद में लेकर स्तन पिलाऊंगी और एक घूंट जहर जाते ही मर जाएगा। कन्हैया बोले माखन तो मुंह में गया नहीं, जहर देने आ गई पहले ही। तो आंखें बंद करके कन्हैया ने त्रिवटी नाथ भगवान का प्रार्थना करी, भगवान शंकर जी की प्रार्थना करी, शिव जी बोले क्या बात है लाला, कन्हैया बोले बाबा हम तो माखन खाने आए हैं कृष्ण बन के, माखन तो अभी मुंह में गया नहीं, मौसी जी जहर देने आ गई, अब जहर बहर पीने का हमको तो अभ्यास नहीं है, आपको तो बहुत अभ्यास है, बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी बोले करना क्या है, पॉइंट पे आओ, मन ही मन में बात कर रहे हैं आंख बंद करके। कन्हैया बोले आप हमारे दिल में आके बैठ जाओ, समुद्र में से जितना जहर निकला था आप सब पी गए थे, अब मौसी मुझे गोद में लेके जहर पिलाएगी, आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ बाबा, दूध दूध हम पी लेंगे, जहर जहर आप सफा कर देना, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आंख बंद करी कृष्ण ने, या तो भगवान ने सोचा होगा मुझे मारने के लोभ में कितने बच्चे मार दिए इसने, उन सब जीवात्माओं की मुक्ति देनी है इसलिए आंख बंद की होगी, या भगवान की आंखों में सूर्य चंद्र का वास है, ग्लानी की वजह से सूर्य चंद्र ने अपने को ढक लिया होगा, जो कुछ भी कारण हो। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर जमल्वणम घोरंक मदाय शिशुर ददावथ गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। पुत्र ने चारों तरफ देखा, चुपके से कृष्ण को उठाया और उठा करके जहर लगा स्तन गोपाल जी के मुंह में दे दिया। अब कन्हैया एक स्तन को तो पी रहे हैं और दोनों छोटे छोटे हाथों से कस के पकड़ लिया, मौसी भागने जाए और घटक ही कटक पी रहे हैं। उतना बोली 5 मिनट से पी रहा है, ये मरता क्यों नहीं है, मैं तो जहर का लेप लगा के आई थी। लेकिन भगवान तो बड़े आराम से पी रहे हैं, 7 दिन की उम्र है, पहले तो मेरे कन्हैया ने पूतना मौसी का दूध पिया और फिर प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, जैसे ही प्राणों को खींचा महाराज, 100 ऑक्सीजन खत्म।
पूतना बोली मुझे ये सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, मेरे को क्या हो रहा है, अब उसको अजीब सी फीलिंग हो रही है, अरे मैं तो मरने वाली हूं, ये कुछ हो रहा है मुझे। बेचारी पूतना घबराई, और राक्षस लोग मरते समय असली रूप में पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ये नियम है उनका। राक्षस कितना ही वेश बनाए, मरने का टाइम आएगा तो अपने रूप में आ जाएगा। पूतना ने कहा ये तो कुछ कर रहा है, 15 मिनट हो गए मरता नहीं, मेरे को कुछ फीलिंग हो रही है, सो घबरा गई। सामुन चमुन चालमिति प्रभाषिणी निष्पिद्यमान अखिल जीव वर्मणी, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे छोड़, चिल्लाई पूतना। पता है 7 दिन का कृष्ण बोल गया, 7 दिन का बच्चा बोलता है, रोता है, लेकिन कन्हैया दूध पीते पीते पूतना को ऐसे देख के बोले, मौसी जी हम पे पकड़बो ही आवे, छोड़बो आवे ही ना है, और अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना बोली बड़ों की तरह बोलता है ये, 7 दिन का बच्चा बड़ों की तरह बात कर रहा है। विकराल रूप ले लिया पूतना ने, और विकराल रूप लेकर के प्राण निकल गए, धड़ाम से पीछे की ओर गिरी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पतमानोपि तद्देह त्रगभ्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदम अद्भुतम। पूतना जब जमीन पर गरी तो 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे सब चूरन बन गए, ऐसा भागवत में लिखा है। त्रगभ्युत्यंतर द्रुमान, एक गभ्युति बोलते हैं 2 कोस को, तो 3 गभ्युति माने 6 कोस माने 12 माइल माने 18 किलोमीटर। और हमारे ब्रजवासी तो बोलते हैं कि पूतना जब जमीन पर गिरी उसका मूड़ गिरा मुड़सान में आके, बाल गिरे बरेली में आके, पैर गिरे पैगाम में आके, हाथ गिरे हाथरस में आके, और कान गिरे कानपुर में आके। बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे ब्रजवासी बोलते। लेकिन 18 किलोमीटर की बात तो लिखी है, और वैसे हमारा ब्रज तो कोई दूर थोड़ा ही है बरेली से, यहां से हजारों लोग तो हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं, और सैकड़ों लोग हर महीने श्री बांके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन जाते हैं, ये बड़े रसिकों की भूमि हो गई है। माताएं दौड़ी, काय की आवाज आई, देखे तो यशोदा मैया के पीछे की दीवार वीवार सब टूट गई, बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष चूरन बन गए। पूतना विशाल पड़ी है, पूतना के पेट पर श्रीमान जी 7 दिन के कन्हैया पड़े पड़े दूध पी रहे हैं। अरे माताएं दौड़ी, ये राक्षसी कैसे आ गई। मैया बोली ये तो पूतना है, कहानी जिसकी सुनते हैं। अरे कहानी वाली यहां कैसे आ गई। गोपी बोली बड़ी भोली हो नजरानी, या की गोद में तुमने लाला काई को दे दिया। मैया बोली एक पंडितानी आई, कहीं बोई तो ना है जी, मोह का पतो राक्षसी है। माताओं ने दौड़ करके गोविंद को उठाया, उठा करके लेकर के गई, और जा करके महाराज गौशाला में स्नान करायो। माताओं का पुराण अलग से होता है, उसको वात्सल्य पुराण बोलते हैं, या तो बुढ़िया पुराण भी कह देते हैं हल्की भाषा में, लेकिन शुद्ध नाम है वात्सल्य पुराण। बच्चा यदि दूध रोज पीता है ज्यादा और आज पिया कम, तो इनका वात्सल्य पुराण शुरू हो जाता है। मेरो लाला रोज 2 गिलास दूध पीवे, आज 1 क्यों पियो, क्या कारण है। ओहो
वो सामने वाली है ना, कल घूर घूर के देख रही मेरे लाला को, बाइक की नजर लग गई, आई लिए दूध कम पी बे। फिर उनके मंत्र शुरू होते हैं महाराज। हाँ, वो लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, पता नहीं राई, सरसों, ऐसी ऐसे करेंगी, फिर उसको चूल्हे में फेंकेंगी, फिर कुछ मंत्र पढ़ती हैं। कई बार तो मैंने देखा ऐसे चप्पल घुमाती हैं, फिर उसको जमीन में धड़ाम धड़ाम। मैंने कहा क्यों? बोल जिसकी नजर होगी लगी होगी वो नजर खत्म, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इन सब चीजों से कुछ होते हैं कि नहीं भगवान जाने, पर इस बहाने माता का आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। अब इनसे कुछ होता है कि नहीं, इस पछड़े में क्यों पड़े? ऐसा भाव होता है माताओं का। तो गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया और गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायण होवतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वर होवतु क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। देखो ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। माताएं गाय की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा दे रही हैं और गाय में बड़ी ताकत है। एक चम्मच सुबेरे, एक चम्मच शाम को, जो आदमी बारहों महीने खाली पेट गौमूत्र पान करता है उसके शरीर में कभी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी नहीं हो सकती। और जिसको शुरुआत हो गई फिर भी शुरू कर दे तो भगवान गौ माता की कृपा से ठीक हो सकता है। एक गिलास दूध सवेरे, एक गिलास शाम को शुद्ध देसी गाय का पीजिए, कभी मिर्गी का रोग नहीं होगा, कभी पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे। ये गाय के दूध की विशेषता है। शरीर में भयंकर चर्म रोग हो गया, सारी दवाई करके आप थक गए, ठीक नहीं हो रहा है, तो देसी गाय के गोमूत्र में थोड़ा सा गोबर डालो और दोनों को ऐसे मिला के और जहां आपके वो चर्म रोग हो रहे हैं वहां लगा के तकरीबन 45 मिनट धूप में बैठ जाओ, पूरा चर्म रोग खत्म हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गाय का आशीर्वाद विभिन्न प्रकार से मिलता है। बच्चे को नजर लग गई, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बुखार रोज आता है, थोड़ा गौमूत्र से, जिस पानी में आप नहलाते हैं ना उसमें थोड़ा गौमूत्र मिला दो। हाँ, और बच्चिया का हो, छोटी बच्ची का तो और ज्यादा लाभप्रद, उससे बच्चे को नहलाओ और गौ माता की पूंछ से बच्चे को झाड़ा दे दो। आपको मंत्र याद नहीं है तो हनुमान चालीसा पढ़ के झाड़ा दे दो, आप देखना बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी महिमा है गाय की। गौ सेवा करो, गाय की रक्षा के लिए काम करो। आज भारत में तीन सबसे ज्यादा दुखी हैं, गौ, गंगा और यमुना। तीनों के संरक्षण सेवा की जरूरत है। गंगा अविरल बहे, गंगा स्वच्छ बनकर बहे, गंगा निर्मल बनकर के बहे, यमुना अधिष्ठात्री है, कृष्ण की भार्या है, इनकी शुद्धि बनी रहे प्रयास करो। सीवर लाइन का पानी गंगा यमुना में नहीं आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का कई बार मैं देखता हूं, कंपनियों का पानी, मिलों का पानी गंगा यमुना में छोड़ देते हैं, इससे बहुत बड़ी गंदगी प्रदूषण होता है। मैंने कई जगह देखा प्लांट लोग लगा रहे हैं और उस गंदे पानी को, सीवर के गंदे पानी को शुद्ध बना करके फिर गंगा में छोड़ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जब सीवर का पानी, गटर का पानी हम पी नहीं सकते शुद्ध होने के बाद भी, तो उसको गंगा में क्यों छोड़े?
आपने सीवर प्लांट लगाए हैं उसको ठीक करने के लिए, तो गचर के पानी को ठीक करने के बाद हम पीते हैं क्या? जब हम पी नहीं सकते उसको गंगा जमुना में क्यों छोड़ना? उसको अन्य किसी के कार्य में, कृषि कार्य के लिए करो, लेकिन अशुद्ध पानी गंगा यमुना में नहीं आना चाहिए। संस्कार चैनल पर बड़ा अभियान चल रहा है, गऊ गंगा गौरी तीन की सुरक्षा का अभियान पूरे विश्व में तकरीबन 170 देशों में संस्कार टीवी के माध्यम से चल रहा है। हमारा भी कुछ संदेश उसमें कभी कभी आता रहता है, कथाओं के माध्यम से तो हम कहते ही हैं। बहुत ध्यान दीजिए, गौरी माने बेटी, हमारी बेटी सुरक्षित हो। पता नहीं कल या परसों में अखबार में पढ़ रहा था, बरेली में एक विचित्र सी घटना घटी। कितना दुस्साहस लोगों का, आप प्रयास करिए, देखिए, सोचिए। बच्चियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती? अरे नारी का देश है ये, शक्ति दुर्गा का देश है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की सुरक्षा और नारी की शिक्षा दोनों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। नारी शिक्षित बने, नारी सुरक्षित रहे, मेरा ऐसा भयमुक्त भारत होना चाहिए कि मेरे भारत की कोई भी बेटी रात के 2 बजे भी बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के कहीं भी जा सके। ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। गाय की सुरक्षा, गंगा की सुरक्षा, गौरी यानी बेटी की सुरक्षा। राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। गौ माता की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा दिया और भगवान खूब हंस रहे, भगवान गोद में हंस रहे। 7 दिन के कृष्ण लो कल्लो बात, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रही है। अरे भाई, किरणंतम पातु गोविंद सयानम पातु माधव। माता झाड़ा देते हुए कह रही है, खेलते हुए लाला की गोविंद रक्षा करे, सोते हुए कृष्ण की माधव रक्षा करे। ये माधव गोविंद नाम तो भगवान के ही है, क्योंकि कहां कहां लगे नाम बड़ाई, रामन सकहे नाम गुण गाए। भगवान भी अपने नाम की महिमा का वखान नहीं कर सकते। ये नाम का सारस है, ये नाम का वैचित्र है। थोड़े बड़े हो रहे हैं, ये पूतना कौन है? उसके शरीर को ले जा करके लोगों ने यमुना किनारे जलाया, सुगंधी निकली। बोले महाराज, इसको दुर्गंध निकलनी चाहिए शरीर से। बोले, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम सुमिरन करने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, उसको गोद में लेकर जिसने स्तनपान कराया वो राक्षसी कैसे रह सकती है? उसकी मुक्ति हो गई। असल में पूतना कहते हैं अविद्या को। पूतना मीन्स अविद्या। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को, पूतना मारने आई कृष्ण को चतुर्दशी को। अविद्या 14 जगहों पे आती है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन अविद्या जब परमात्मा के सामने आ जाए तो उसका विनाश हो जाता है। सूरज के निकलने से कभी अंधकार रह सकता है क्या? यही तो इसका मूलतः रूप है। लेकिन मुक्ति मिल गई। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो सर्टिफिकेट पूतना के पास में तो नहीं है, क्योंकि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांस आपि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम।
पूतान पवित्रान बालकान घनंती इति पूतन। जो पवित्र बालकों को मारे उसका नाम बढ़िया नहीं है। तो काम बढ़िया होगा, बोले लोक बालक नहीं, दुनिया के बच्चों को मारती है, राक्षसी जाति अच्छी नहीं, और उधर आसना है राम 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 राम, गरम गरम खून पीती बच्चों का, जिघान से आप ही हरे भगवान को मारने आई, फिर भी प्रभु ने मोक्ष प्रदान किया। क्यों? स्तनम दत्वा सदगतिम आप, उसने एक काम इतना अच्छा किया जो केवल मां करते हैं। बच्चे को गोद में लेकर के स्तन पिलाने का काम तो मां का होता, इसलिए प्रभु ने उसके दुर्गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसको मातृ सदगति प्रदान कर दी। ऐसा कृपालु है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी बात उनको भा जाए। मां बहुत प्यार करती है। 6 महीना का कृष्ण हुआ, सकतासुर को उद्धार किया, 1 वर्ष के होने वाले थे, तृणावर्त आ गया। अब थोड़े बैठने जैसे लग गए, आंखों की तो पूछो मत, बड़ी चंचल है। जिधर उसकी तिरछी चितवन चली जाए। चिरंजीव इंद्रेश का एक भजन है ना, कैसेट में सुनते हैं आप लोग, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। अभी कैसेट उनकी लॉन्च हुई थी 19 जुलाई को, उसमें 8 भजन, एक कैसेट और भी आ रही, अभी उनका अध्ययन चल रहा है, थोड़ा इंग्लिश में भागवत भी करते हैं। अमेरिका कनाडा अभी गए थे मेरे संग, उनको छुट्टी नहीं मिलती इसलिए हर कथा में नहीं आ पाते। अभी 17 वर्ष के हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। इस कैसेट में 2 भजन मैं सुन भी नहीं पाता, इतने भावपूर्ण है। एक जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, कैसा मधुर संगीत उसमें दिया है लोगों ने। एक है राधा के बनवारी मोहन मुरारी, हे श्याम सुंदर सलोना। भावपूर्ण है, वो हमारे पुत्र हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा है, ऐसा नहीं। जिसने भी वो भजन लिखे हैं, जिन्होंने भी उसमें संगीत दिया है, लोगों ने सराहा है, लोगों ने, आप भी सुनते होंगे कथा के बाद, यह कभी कभी चलता है तो मैं सुन लेता हूं। तो आंखें जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, अयोध्या के बहुत बड़े रसिक संत की वाणी है ये, लक्ष्मण किलाधीश जी की। तो ऐसी आंखें महाराज पूछो मत, ऐसी विचित्र आंखें। मैया बोली, अब जी लाला ने सो जाए तो मैं घर को काम कर लूं, सोवे ही ना। मैया ने पहले गोदी में ऐसे लेकिन लोरी सुनाई, नहीं सो रहे। फिर लाला को ने पलना में, अब इनकी एक और आदत है, पलना में जब तक आप झोटा नहीं दे हो, लोरी नहीं सुनाओ, तब तक श्रीमान जी सोवे ही ना। हमारे ब्रज के रसिक संत की वाणी। तो महाराज बड़े भाव से अम्मैया नेक नेक लाला को झोटा दे रही है, नेक सो जा। अब देखो कन्हैया जी तो सोए हैं, मैया शिव जी का पूजन करने जा रही हैं। अब लाला ने सोए गए तो घर को काम कर लूं, पहले शिव जी को नहाए आऊं। देखे तो मकान के गेट पे बाबा खड़े हैं, त्रिवटी नाथ, बोलो जय श्री कृष्ण।
अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। मैया बोली कौन है बाबा? हम योगी हैं मां, काय को आयो है? बोले दर्शन करना है तुम्हारे पुत्र का। मैया बोली मैं भी मंदिर जा रही हूं, तीसरे नंबर की गली में मां दर्शन मिलेंगे, यहां कोई मंदिर ना है। अरे माता मैं मंदिर की बात नहीं करता, तेरे घर में पलना में जो तेरा बेटा सोया उसका दर्शन करना मेरे को। मैया बोली कैसी बात करे बाबा, तुम्हारे गले में मुंडन की माला लटक रही है, अजगर सांप इतने उत्कू डोल रहे हैं, और तुम्हारे कानन में बिच्छू के कुंडल लटके भये, राम 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 चिता की भस्म लगाई भाई तुमने, मैं अपने लाला को तुम्हें ना ही दिखा सकूं डर जाएगो, और आपको ना ही मालूम बाबा मेरो लाला तो इतनो भोरो इतनो सीधो है कि फोटो में भी सांप देख ले तो डर जावे, मैं आपको दर्शन ना ही कराऊंगी, माफ करो। शिवजी बोले नहीं डर पेगा माता, माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी, अपने लाल को मरमन जाने तू भोरी महतारी। 1000 फण वाले शेष नाग पर शयन करता है तेरा पुत्र, इन छोटे छोटे नागों से डरने की जरूरत नहीं माता। मैया बोली कैसी बात करे बाबा, अरे नाग पर सोबे मेरे लाला को बैरी, मेरो लाला तो फोटो में हूं देख ले तो डर जावे, जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाऊं, तुमरो बेस देख डर पे गो बालक ना ही दिखाऊं। लाला छोटो है डर जाएगो, मैं ना ही दिखाऊंगी आपको। शिवजी बोले नहीं डरेगा माता। मैया बोली आटो दाल चावल चाहिए तो ले जाओ, आपको चादर चाहिए तो पश्मीना की बनवा के दे दूंगी महाराज, कंबल चाहिए तो बढ़िया वाले कंबल ले जाओ, कमंडल चाहिए तो मैं सुवर्ण को बनवा के दे सकूं, गैया चाहिए दूध पीवे तो 100-200 गाय ले जाओ, पर लाला को दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। शिवजी बोले मैंने कहा ना माता, कितनी दूर से आया हूं आशा लेकर के, मुझे तुम्हारे किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, मां तेरे पुत्र का दर्शन केवल गोद में लेके एक मिनट आ जाओ मैं चला जाऊंगा। मैया बोली लाला को दर्शन तो कराऊंगी नहीं, कछु बोलो महाराज। भगवान शंकर ने कहा बहुत माताएं देखी, इतनी कठोर मैया हमने कोई नहीं देखी, तुमको दया नहीं आती, कितनी दूर से आया ये बाबा। मैया बोली मैंने बाबा जी बहुत देखे पर तुम्हारे जैसो जिद्दी नहीं देखो। अरे महात्मा हो तो बाल भोग कर लो, भोजन कर लो, स्नान करो, जो चाहिए सो ले जाओ, भिक्षा ले जाओ, लेकिन ऐसा विचित्र बाबा ये सब नहीं चाहिए हमको दर्शन, मैं क्यों कराऊं दर्शन। शिव जी बोले तुमने अभी योगियों की हट नहीं सुनी माता, तेरे दर पे धूना लगा लेंगे हम, और एक बार मेरा धूना लगता है समाधि लगती है तो 12 वर्ष से पहले उठती नहीं, तेरे द्वार पे धूना लगा के बैठ जाऊंगा, अभी योगियों की हट तुमने सुनी नहीं है, तेरा बेटा बड़ा होकर के बाहर निकलेगा तो अपन दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन के जाएंगे नहीं। मैया बोली अरे मोढ़ा बाबा जी, तेने अब त्रिया हटना है सुनी, दारी के बैठो रहे मेरे द्वार पे, मैं तो पीछे वालों दरवाजो खोल लूंगी, लेकिन मां आप जानती नहीं हम योगी हैं, रूप दो बना सकते हैं, एक रूप से इस द्वार पर दूसरे से दूसरे द्वार पर बैठ जाएंगे,
मैया बोली दारी के तू चाहे सबरे रूप बना के बैठ जा, चाहे मोकू अपनो लाला घर में ही बूढ़ो करनो आ जाए, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी बोले बहुत कठोर है अम्मा। फिर बोले मां, मां तो बड़ी कोमल हृदय की होती है, तुम इतनी कठोर क्यों हो? मैया बोली संत बड़े कृपालु हो, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अरे संत हो तो नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, कम्बल ले लो, गैया ले लो, हैं? ऐसो मोढ़ा बाबा तो मैंने कभी देखो ही नहीं। अरे बिच्छू लटक रहे तुम्हारे कान में, मुंडन की माला लटक रही तुम्हारे गले में, अजगर सा राम 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 राम, मैं लाला को कैसे लेके आऊं? भगवान शंकर ने कहा ये भगवान की माँ है। वैसे भी हमारे ब्रज की माताएं थोड़ी ठीक ठाक होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बरसाने की होली देखी है? हाँ। एक एक आदमी को कई कई माताएं लठ से मारती, डंडा से नहीं, छड़ी नहीं, लठ। और जो माताएं लठ मार होली खेलती हैं वो 6 महीना पहले से स्पेशल घी खाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो भगवान की माँ है। शिव जी बोले तुम्हारा बेटा है, मैं क्या बोल सकता माता? मैया बोली ना मामा, मैंने ऐसे तो कही ना कि तुम जाओ मत, जाओ काय को जाओ, भोजन करो। भगवान शिव ने कहा मुझे दर्शन चाहिए थे, वो आप नहीं करा सकती माता, जाता हूं। जाते जाते टेढ़ी नजर से घर की ओर देखा, बोले आराम फरमा रहे हो पल्ला में? और जैसे ही शंकर जी गए, गोपाल जी ने रोना शुरू कर दिया, अंगा 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 करके रोमे जोर जोर से। मैया बोली कहां भयो? अरे मेरे लाला को कहां भयो? गोपी दौड़ी दौड़ी आई, हाँ नजरानी जू, अरे देखी हूं अभी चोखो बलो हंस रहे हो, खेल रहे हो और सोए रहे हो, रोबे ही रोबे। अब तो सैकड़ों गोपी आ गई, बूढ़ी माताएं भी आ गई। हाँ, अब बूढ़ी माताएं जब आती हैं तो वात्सल्य पुराण शुरू हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब बूढ़ी दो चार माताएं आकर के बोली, तुमने लाला को खिलौना दियो? बोले फेंक दे, ले बना है। दूध पिलाए? बोल पीवे ना है। ऐसे पहले भी कभी रोयो? बोले इतनो कभी नहीं रोयो। एक अम्मा बोली तुम्हारे घर कोई आयो का? देखो शुरू पुराण। मैया बोली और तो कोई आयो ना, एक बाबा आयो सापन बारो। अच्छा का कह रहे हो बाबा? लाला के दर्शन की कह रहे हो? देखो मैंने तो मना कर दी नहीं, सांप लटक रहे बाके गले में, अब बाकू में कैसे दर्शन कराऊं? तो बाबा रूठ के चले। ओ हो नजरानी, बाबा नहीं कछु जादू कर दियो। अब सुनो, जब तक वो बाबा नहीं आवेगा ना, तुम्हारा लाला चुप है ही ना सके। मैया बोली मोए कहा मालूम, मैं तो प्रणाम कर लूंगी, महाराज जी से माफी मांग लूंगी, और गोपी तुम जल्दी जाओ, अभी दूर नहीं पहुंचे होंगे, बुला के लाओ। और सुन कह दीजो, नजर उतार दो, दर्शन करा देगी अम्मा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर तो गोकुल से बाहर एक एक वटवृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठे। गोपियों ने जाकर के प्रार्थना करी, चल रे जोगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, वहां के लाल को नजर लगी है, तो पेराई नोन करवावे। बाबा आप जल्दी पधारो, नजरानी यशोदा जी ने हमको भेजो है, उनके लाला को बड़ी जोर से नजर लगी है, आपने एक नजर उतार दो, राई लोन कर दो। शिव जी बोले टाइम नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो नखड़ा दिखाएंगे, हमारे पास जमा नहीं है। तो गोपियों ने कह दिया, बाबा आप नंदालय में चलोगे ना, तो आपको मैया लाला को दर्शन करामेंगी।
अब दर्शन का नाम सुनते ही शिव जी ने सोचा ज्यादा नखड़े से काम नहीं चलेगा, बोले पहले जाके कंफर्म करके आओ दर्शन मिलेंगे क्या। अरे बाबा हम बोले ना तुम चलो। भगवान शंकर गदगद हो गए और जैसे ही भोलेनाथ का डमरू बजा, अब तो नाचते हुए जा रहे हैं, दर्शन का लालची है ना मन, कभी देखने का मन करे तो गोविंद की झांकी का दर्शन करो, कभी सुनने की आकांक्षा हो तो प्रभु की पावन कथा सुनो, कभी गाने का मन करे तो मेरे गोपाल का मधुर कीर्तन गाओ, और कभी नाचने का मन करे तो गोविंद के कीर्तन में भाव निमग्न होकर के नाच लो। सो महाराज जा रहे हैं, अब शिवजी तांडव करते जा रहे हैं, पीछे दो चार गण भी चल रहे हैं, भगवान शिव के नाम की महिमा गाते जा रहे हैं। बोलिए तिब्बती नाथ भगवान की। चले हैं सुमिरत कृष्ण नाम को कैलासी काशी वाला। मैया बोली आप तो ब्रज में ही बास करो बाबा, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। शंकर जी बोले आप कह रही हो मैया तो ब्रज में तो रह लेंगे, पर हमारो भी एक नियम है, मेरा छोटो सो मंदिर तुम्हें बनवानो पड़ेगो, और ऐसी जगह मंदिर बनवाओ कि जब लाला स्नान कियो करे तो जाके स्नान को जल मेरे ऊपर है के निकले, वहां कोई अभिषेक हो। शिव कहते हैं कृष्ण मेरी आत्मा है, और कृष्ण कहते हैं शिव मेरी आत्मा है, अंदर की कौन जाने। बड़े हो रहे हैं दोनों, अभी नाम रखा ही नहीं गया, बोलना तो आता नहीं अभी। वसुदेव जी ने कहा अपने सदगुरु गुरुदेव आप गोकुल जाओ, और नंद जी के घर मेरे दो पुत्र हैं, दोनों उनको नामकरण करके आओ। जबकि नंद जी के घर के आचार्य तो हैं सांडिल्य मुनि। वसुदेव ने अपने गुरु जी को भेजा, और एक आपसो विनम्र विनती है मेरी, नंद जी के घर छोटो लाला भी मेरो है ये विनकु पतो नहीं चलना चाहिए, कहीं प्रेम कम न है जाए, बड़ी चिंता है। गर्गाचार्य आए तो नंद जी ने बड़ो सत्कार कियो, आओ महाराज बड़ी कृपा, कहां से आए गुरुदेव। बोले अजी कहीं नामकरण करनो, कहीं उपनयन करनो, कहीं शादी विवाह पढ़नी, यही हमारो काम है। महाराज जी आपने अच्छी याद दिवाई, मेरे घर में दो दो लाला हैं, अब ये नामकरण भयो ही ना है, आपके श्री मुख से है जाए तो कितनी प्रसन्नता की बात है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन आपके पुत्रन को नामकरण मैं नहीं कर सकूं महाराज, क्यों। क्योंकि अदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और मैं यदि आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को लगेगा कि वसुदेव के घर के पंडित जी ने नंद जी के बेटा को नामकरण क्यों किया। क्योंकि कंस के मन में एक भ्रांति है कि देवक्यामष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हसि,
कंस ये सोचे कि देवकी को आठवों गर्भ स्त्री नहीं है सके, मैं यदि आपके पुत्र को नामकरण करूंगा तो इनके संदेह को बल मिलेगा। नंद बाबा बोले जब कंस को पतो ही नहीं चलेगी तो बल कहां मिलेगा। मैं जानू नंद जी आप हर कार्य बड़ी धूमधाम से करो, लाला को नामकरण संस्कार भी धूमधाम से कियो, तो कंस को तो पतो चली जाएगी ना जी। पर देखो जी हम तो पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, गौशाला के बंद कमरे में आप नामकरण कराना चाहो तो हम कर सकें। नंद जी राजी हो गए। मैया बोली एक बात बताओ, मेरे कोई 10-5 लाला है का? एक ही तो मेरो लाला है। अरे मेरे लाला को नामकरण होएगा तो 6 महीना पहले से तो मैं निमंत्रण पत्र बांटूंगी और पूरे ब्रज को चूल को नौतो दूंगी। चूल को नौतो समझो, किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जले उसे चूल का नौता बोलते हैं। नंद जी बोले हमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखनी देवी, हमारो लाला जा में प्रसन्न रहे, हमें वाई में खुश रहना चाहिए। मैया बोली देखो हम तो पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं दे लाला खुश रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ एक बात बताओ पंडित जी को नाम कहा है? बोले बिनको नाम है गर्गाचार्य जी। मैया बोली ये सच्चो पंडित है कि खड़िया पलटन है या कि परीक्षा कैसे लें? मैया रोहिणी से बोली कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं लाला को नामकरण करबे, बिन की परीक्षा लेनी है, एक काम करो मेरे लाला को ले लो तुम अपनी गोद में और तुम्हारे लाला को ले लूं मैं अपनी गोद में। यदि बिन ने सही सही बता दियो कि कौन को लाला कौन की गोद में है तब तो समझेंगे सच्चो ज्योतिषी है, नहीं तो ऐसी खड़िया पलटन डोले कछु ना। अब रोहिणी का बेटा बलराम यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया और यशोदा का बेटा कृष्ण रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। गौशाला का मुख्य द्वार बंद कर दिया, नंद बाबा रोहिणी यशोदा मैया और दोनों के अदला बदली किए हुए बेटा गोद में बैठे। पहले हवन हुआ और हवन के बाद में श्री सत्यनारायण जी की कथा हुई। मैया बोली हां महाराज जी नामकरण करो। जैसे गर्गाचार्य ने नीचे से मुंह उठाकर आंखें खोलकर माता रोहिणी की गोद में बैठे हुए कृष्ण को देखा, बाबा तो देखते ही रह गए, आंखें खुली की खुली रह गईं। ज्ञानी है गर्गाचार्य, यही मेरा ब्रह्म है, यही निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर परमात्मा है। और देखते 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 इतने ध्यानस्थ हो गए। समाधि कई प्रकार की होती है, एक भाव समाधि, एक प्रेम समाधि, एक सहज समाधि, एक ध्यान समाधि। कबीर जी कहते हैं ना कि साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि। और इन समस्त समाधियों में सबसे खतरनाक होती है त्राटक समाधि,
जिसमें आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, श्वास भी बंद हो जाए, ये त्राटक समाधि। गर्गाचार्य टकटकी लगा कर कन्हैया को देख रहे, देखते 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 त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गईं और मुंह ऐसे देख रहे हैं, मुंह खुला है, आंखें खुली हैं, श्वास बंद है, पलक भी गिर नहीं रहे। मैया यशोदा बोली, कहां भैया बाबा जी है? रोहिणी बोली, अभाव तो चोखो भलो बैठे हो, जाने कहां भयो। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने आंखों के पास चुटकी बजाई, पलक गिरते ही नहीं। मैया ने बाबा के मुंह के पास में ऐसे हाथ घुमायो, श्वास बंद, कहां भयो। अच्छा, किसी का मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाएं और श्वास बंद हो जाएं तो आप क्या समझेंगे? यही कुछ कुछ मैया भी समझने लग गई। मैया बोली, कहां भयो बहना। रोहिणी बोली, मुझे तो ऐसो लगे महाराज श्री पधार के दिखे। मैया बोली, अरे बाबा पधारनो हो तो बाहर जाके पधारते, मेरे घर में आके क्यों पधार गए? मैं क्या जवाब दूंगी? पड़ोसी पूछेंगे बाबा आया था कहां गया। दोनों माताओं ने बाबा के हाथ पकड़ के जोर से झकझोर दिया, अरे महाराज पधार गए क्या? गर्गाचार्य की समाधि टूटी। क्या हुआ माता? मैया बोली, तुम ठीक ठाक हो? गर्गाचार्य, हम गया हुआ बोल जी के, अरे महाराज तुम्हारा मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, सांस बंद हो गए, हम तो डर गए। कहां चले गए थे आप? गर्गाचार्य ने मन में सोचा, कब तक छुपाएंगे, पूरी बात बता ही देते थे। माता बताएं हमको क्या हुआ था, बताओ। गर्गाचार्य रोहिणी की ओर देख करके बोले, तुम्हारी गोद में जो बेटा बैठा है वो साक्षात। गर्गाचार्य ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गोद में जो बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान है, लेकिन जैसे ही कहा कि तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात, सो गोद में बैठे हुए कन्हैया ने इशारा किया, पोल पट्टी खोलेगा क्या? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कन्हैया ने सोचा, बाबा जानता नहीं, मैया मेरे को बेटा मानती है तो गोद में बिठाती है, लाड दुलार करती है, पल्ला सुलाती है, लोरी लोरी सुनाती, मेरे को प्रेम करती है क्योंकि मैं इसका बेटा हूं, और तुमने बोल दिया कि भगवान है तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप लोग सब जानते। बेचारे भगवान को अलमारी में बिठा देते, दो गर्भवती सवेरे दो शाम को घुमा देते, 50 ग्राम चनोरी सवेरे, इतना बड़ा डली मिश्री की शाम को भोग लगा दी, खा लो महाराज। और किसी पार्टी में जाना हो शादी में, बहू आज पूरा घर पार्टी में जा रहा है, सजन गोठ में जा रहा है, अब खाली भगवान के लिए क्या चूल्हा जलाएं बहू, एक गिलास में दूध भगवान के सामने धर देते हैं, इतनी सी मिश्री की डली धर देते हैं, भगवान जी आप दूध पी के काम चलाना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। बेचारे भगवान, इसलिए हमारे ब्रज में भगवान कहते ही नहीं,
बरसाने में जाओ, बोले कहां जा रहे हैं, वो लाली का दर्शन करने जा रहे हैं। नंदगांव में जाओ कहां, बोले लाला ते मिलिया में। उनको घर का सदस्य समझो। कितना जल्दी हुआ सब काम, ध्यान से सुनना। जैसी गर्गाचार्य बोले तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात, ये साक्षात बोले थे कि गोद में बैठे हुए नन्हे से कृष्ण ने उंगली हिलाई और बाबा तुरंत उंगली को समझ गए और बोले तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इसकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था, मां त्रिवटी नाथ एकदम समझ गए उंगली, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी आंखों के पलक गिर जाएं तो रेखा पकड़ में नहीं आती माता, इसलिए मेरी जरा समाधि लग गई थी, त्राटक समाधि। कन्हैया बोले बच गए, नहीं बाबा अभी अलमारी मिठा देता मेरे को। मैया बोली रेखा देख ली, बोले हां देख ली, तो नामकरण करो। शंकर जी बोले दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके बैठी हैं। यशोदा बोली मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बेटे का नामकरण करो बाबा। भगवान शंकर मां यशोदा से बोले मैया तेरी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तेरा है ही नहीं। मैया बोली अरे वाह मेरो नाम तो कौन कौन है, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुरिदो गुणई आख्यास्यते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये रोहिणी का पुत्र है माता, और इसका नाम रखता हूं मैं राम। रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदु, बल की अधिकता होने की वजह से इसका नाम बलराम होगा, या तो बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण, बल माने पराक्रम। जिसका बल पूरे समाज का कल्याण करे वो बलभद्र है। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और माता रोहिणी आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका नहीं, वो यशोदा का पुत्र है, और क्या नामकरण करूं मैं इनका। क्या सन वर्णास्त्रयो हृष्य गृहणतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। इसका नाम, ये पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और इदानीं कृष्णतांगत, अभी इसका कृष्ण वर्ण है, इसलिए नाम में कृष्ण रखता हूं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से, गौशाला का परकोटा मेन गेट बंद। ये तुम्हारा बेटा प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तमात्मज वासुदेव अपु श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। मैया ने सोचा पूर्व जन्म की बात बता रहा होगा बाबा, और ये क्लियर कर रहे हैं इसी जन्म की बात है। मधुसूदन कृष्ण कन्हैया माधव गोविंद, कितने नाम बताऊं, बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते
तेरे बेटे के हजारों नाम, हजारों रूप, हजार कितना कहूं माता। ये नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुणों वाला होगा। मैया बोली, देख बाबा दक्षिण कम हो तो मैं ज्यादा दे दूंगी, ये तो उसकी बात मत बतावे, कभी भगवान बतावे, कभी शेष पर सोबे मारो बतावे, नजर लगावे को मेरे छोरा है। भगवान सब समझ रहे हैं, ये प्रेम की लीला है। पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर परमात्मा जगत धाता जगत नियंता, क्या क्या नाम सुन सुन के भगवान के कान पक गए। बोले, अब तो इतना सहज बन करके जाऊंगा कि जो चाहे सो गोद में ले ले, जो चाहे सो गुलचा मार दे, सबको लगे कि कृष्ण मेरा है। ये भाव साम्राज्य की बातें हैं, सूखे ज्ञानियों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। हाँ, कोई तीसरी आंख खोल रहे हैं ऑपरेशन करके, कोई कुंडलनी खोल रहे हैं, वो सब लटके ही रह जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और जिस पर मैंने गोविंद राधा माधव की कृपा बरसती है, उसको भाव साम्राज्य की लीला का दर्शन होता है। कुंडलनी खोल लो, माता यशोदा निमग्न हो गई भाव में, इतनी बड़ी परात में गिन्नी भर के लाई और बाबा के सामने परात रख दी। महाराज जी भेंट स्वीकार करें, आपने मेरे बेटा को नामकरण कियो है। अरे मां कैसी बात करती हो, मैं वसुदेव के घर का आचार्य, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, मैं वसुदेव के घर का आचार्य हूं, पर आपने मुझे प्रेम से दिया है, मैं इनकार नहीं करूंगा। गर्गाचार्य ने वो सब सुवर्ण ले लिया और बाहर निकलकर ब्रजवासी ब्राह्मणों के घर में एक एक दो दो पांच पांच बांटते हुए मथुरा चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जो पावा रखा नहीं का, रखना क्या है, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। गए नंद बाबा स्नान करके लौटे, शालिग्राम की पूजा होती है ना गृहस्थों के घर में, वैष्णवों के घर। अब नंद बाबा जो है वो आए, अब ये थोड़ा घुटमन घुटमन सा चलने लगे, अभी बोलते नहीं है। और जैसे पूजा घर में नंद बाबा जाने लगे तो घुटमन घुटमन कन्हैया भी आवे लगे। बाबा ने कि दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो बेटा, हम जय जय की पूजा कर रहे हैं, अभी तू नहायो ना आए, भीतर मत आइयो। कन्हैया ने मन में सोची, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, कि हम ते बड़ो जय जय कौन सो आएगा। अब नहीं जान दे रहे अंदर बच्चों को, तो क्या करें बेचारे, पूजा घर के द्वार पे बैठे बैठे देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, हाँ मैं रही हूं, नहाओ नहा तू भाई। अंदर जाकर के बाबा ने शालिग्राम जी सिंहासन से उठाए और चांदी की बड़ी कटोरी में चंदन से क्लिंग लिखा। ये नियम है, पहले चंदन से क्लिंग लिखो, और वो ऐसे लिखना चाहिए कि उंगली उठे नहीं। ऐसे चंदन लिया और इस प्रकार से ऐसे 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 कर दो, हो गया क्लिंग। उसमें रखी तुलसी, तुलसी पे रखे शालिग्राम। कन्हैया ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं, अंदर तो आने नहीं दिया। बाबा ने पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से नहलाया, शक्कर से नहलाया, पंचामृत स्नान होता है ना, और जैसे शहद से नहलाने लगे,
शालिग्राम को बैठे बैठे कन्हैया की जीभ में पानी आ गया। कृष्ण बोले जय जय बहुत बढ़िया, रोज घी में नहावे, शहद में नहावे, दूध दही में नहावे, खूब मीठो है रो जय जय। बाबा ने स्नान करा के फिर चंदन लगाए भगवान शालिग्राम को, फिर तुलसी रखी चढ़ाई, फिर देख लिया हाँ कन्हैया वहीं बैठे। फिर बाबा ने आंख बंद करी माला शुरू। अच्छा कई लोग आंख बंद करके माला जपते हैं तो एक टॉवल और मुंह पर डाल लेते हैं, ध्यान से सुनना, आंख बंद करके आप भजन करो और एक टॉवल मुंह पे और डाल लो तो भजन में मन ज्यादा लगता है। हाँ, बाबा की आंखें बंद और मुंह पर डाल दिया टॉवल, फिर जप रहे माला। कन्हैया ने देखा ये बाबा की तो आंख बंद है, मुंह पे कपड़ा भी है, और जय जय नहाता है रोज शहद में घी में है। सो घुटमन 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 भीतर आ गए और महाराज तुरंत शालिग्राम जी सिंहासन से उठाए और गप से मुंह में रख लिया। इधर और बाबा की बगल में ही एकदम आंख बंद करके कन्हैया भी बैठ गए। 20 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई तो माला रख करके बोलते हैं जय हो मेरे शालिग्राम। बाबा ने माला रखी और जय हो मेरे सिंहासन पर शालिग्राम है ही नहीं, शालिग्राम कहां गए। पूजा के गेट पे देखा तो श्रीमान जी भी नहीं है, भगवान कहां है मेरे साथ। फूल हटा के देखा, तुलसी हटा के देखी, इधर देखा कोई, दाहिनी तरफ देखा तो वहां दूसरे भगत जी बैठे हैं और ये भी आंख बंद करके बैठे हैं। बाबा ने कही लाला तू पूजा घर में बिना नहाए धोए कैसे आयो हैं? बोल अरे कन्हैया तू पूजा घर में भीतर कैसे आ। जब किया तो बाबा ने देखा इधर फुटबॉल जैसा मुंह फूला है। अरे तेरे मुंह में कहा है? बोल बाबा ने जोर से गुलचा मारा, सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। हे भगवान मेरे भगवान को खा गए हो, इतना उद्यमी गोद में उठा करके ले गए भीतर महल में। मैया बोली कहां बात है, अरे देवी देखो ये नेक सो सो और मेरे पूजा घर में चले गए हो और मेरे भगवान को उठा के खा गए हो, शालिग्राम जी खा लिए यानी। मैया बोली तो हल्ला काई को मचा रहे हो, जाने गुलाब जामुन समझी होगी, गुलाब जामुन और शालिग्राम जी का कलर भी एक सा होता है, साइज भी बराबर होती है। काला जाम बड़ा होता है, गुलाब जामुन छोटी होती है। बच्चा आए कहां जाने, नंद बाबा बोले तुम या को समझाओ नहीं, अब ये बड़ो होएगा है। पंडित जी बुलाए बोले महाराज शालिग्राम जी को प्रायश्चित पूजन करवाओ। शालिग्राम परब्रह्म होते हैं, आज बैठे ना यहां सामने दिख रहे हैं आपको, चांदी के सिंहासन पर छत्र दिख रहा है, वही शालिग्राम जी हैं। आज गिरिराज जी की पूजा है ना, 56 भोग सजे हैं तो शालिग्राम ही गिरिराज है, गिरिराज ही शालिग्राम है, इनका बड़ा महत्व तो होता है। आज हम सब शालिग्राम पूजा करेंगे, पंचामृत अभिषेक होगा, गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे, बड़ा महत्व तो है। मैया ने गोद में उठाकर कृष्ण से पूछी चोरे लाला तेने भगवान मुंह में दे लिए। आज पहली बार कृष्ण बोल गए, बोले मैया बे रोज शहद में नहामे तो मैंने सोची मीठे है गे। मैया बोली दोबारा बोलियो। बोले मैया अब तो माता यशोदा तो नाचने लग गई, अरे मेरो लाला बोल गए हो, मेरो कन्हैया बोल गए हो, मेरो गोविंद बोल गए हो,
दौड़ी दौड़ी पूजा घर में गई, नंद जी से बोली अजी आपने कछु सुनो? नंद बोले आवाज आई, बोले कन्हैया ने मोसे मैया कही, आज गोविंद बोले मोसे माँ। नंद बाबा पूजा छोड़कर दौड़े महाराज, और जैसे ही कृष्ण को गोद में लिया तो उनकी दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। बाबा की तो आंखों में आंसू आ गए। इतने में बलराम जी महाराज घुटमन घुटमन दौड़े दौड़े आए। बलराम बड़े भैया है, बलराम ने दौड़कर कृष्ण गोदी में लिया तो बोले भैया अब तो पूरे ब्रज में नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, आज पहली बार गोविंद बोला है, आज पहली बार नंद के पुत्र ने आवाज निकाली। और सूरदास जी गाने लग गए, सूर जी का बड़ा सुंदर पद है, आज ब्रज नाचने लगा है, हमारो लाला बोल गए, कन्हैया बोल है। मैया ने गोद में लेकर के प्रेम किया, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मां यशोदा ताली बजाती तो आंगन में गोपाल जी नाचते, और गोपाल जी के नृत्य को देखकर के गोपी के मन की भावना, वो दौड़ी दौड़ी गई और गोपी बोली कहां बातें बड़ी मुस्कुराए रही है, बोले आज मैंने विचित्र दृश्य देखे है नंदालय में। कहा देखो? तो शरण सके कहो दुख में कम, नंदन के तांगणे मया दृष्टम, गोधुल धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने नंद जी के आंगन में विचित्र दृश्य देखो सखी, कहा? बोले गोधुल धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है बुर ब्रह्म नंद जी के आंगन में गाय के धूल से धूसरित अंग बारो है के नाच रहे है। गोपी बोली हम कैसे दर्शन करें? श्री गोपाल को दर्शन हमें कैसे होए? सासू जी तो घर से बाहर जाने नहीं दे मैं। कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक भी होती है, जिसके नाम से श्वास रुक जाए उसी का नाम तो सास है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, बहु खबरदार जो घर से बाहर गई, हमारी नाक को संभाले। किसी किसी की नाक होती लंबी ज्यादा, और हमारे ब्रज में तो नई बहू होए ना, दो तीन वर्षों तक उनको बड़े नियंत्रण में रहना पड़ता है। हाँ, अब गोपियों ने क्या किया मालूम? सासू जी तो गई सवेरे, जमुना नहावे, कार्तिक नहाती है ना माताएं, और इन नई नई बहुओं ने घर की जितनी मटकी हैं दम दम करके फोड़ दें। सासू जी आई, बहू ये मटकी कहां से फूटी पड़ी है? बोले माता जी नंद जी को लाला आयो और मटकी फोड़ के चले गए। सासू जी बोली अच्छा, ब नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर के मटकी फोड़ के चले गए, बहू जाओ। अब देखो मैं यदि यशोदा के भवन में चली गई तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ और मेरी तरफ से नंद रानी को उल्हाना देके आओ। गोपी बोली बड़ी खुशी की बात है कि बत्साल मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास,
अबे गोपियां सब झुंड के झुंड गईं और चौराहे पे सब मिल गईं। बोले तुमने कितनी फोड़ी? बोले चार। तुमने? बोले मैंने तो 10 फोड़ी। एक बोली 15 दिन से लाला को दर्शन ना आए भयो, सो मैंने तो गुस्सा में सगरी ही मटकी फोड़ दी। फिर बोली जी अच्छो बहानो है या बहाने लाला के दर्शन है जाएंगे रोज। माता यशोदा का महल 85 चौक है उसमें, और एक एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती हैं, ऐसा लिखा है। 10,000 गाय एक चौक में खड़ी हो जाएं, ऐसे 84-85 चौक हैं नजरानी की हवेली में। 9,00,000 गाय हैं। मैया पूजा कर रही नीचे कक्ष में। माँ ने देखी है नई नई बहू मेरे घर कैसे आ रही है। सुमैया पूजा में से आई, चौक में आ गई, गोपी चौक में पहुंच गई। अरे आज नई नई बहू मेरे घर आई, बोलो कहाँ बात है? आपके लाला कहाँ हैं? मैया बोली कछु उधम कियो का, पहले बताओ हैं कहाँ। गोपियों ने सोचा हो तब तो रुके नहीं जाए, क्या फायदा। मैया बोली कन्हैया सुपलना में से उठ के आ रहे हैं श्रीमान जी, उम्र है 3.5 वर्ष की। रात को सोते समय मैया आंखन में काजर लगा में और सुबह उठते ही ऐसे ऐसे कर लें, सो जगन्नाथ भगवान किसी गोल गोल आंख बन जाए, आधे गालन तक काजर फैल जाए। कन्हैया ने देखा अरे जी कैसे आ गई गोपी। मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े है गए। मैया ने लाला के सिर पे हाथ रखे और गोपीन से बोली कहां उधम की हो जाने। अब ज्यादा देर तक तो खड़ी तभी रहेंगी जब उलाना सुनाएंगी और दर्शन होगा। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उलाना दे रही है। के वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद मत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोग मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो का। इतना उधम मचा में आपके लाला हमारे घर में गए मैया और हमारे बछड़ा को खोल के भाग गए। मैया बोली देखो जितो कोई उधम ना है, यदि लाला ने तुम्हारो बछड़ा खोलो गोपी ये तो काम है, ये काय को उधम तुम्हारो काम करे। बोले नहीं असमये, जब इनको पतो चले कि गैया दोहिवे को समय आयो, 1.5 घंटा पहले बछड़ा को खोल के भाग जाए और सगरे दूध को बछड़ा पी जावे, हम काड़वे जामे तो एक बूंद भी दूध ना मिले। मैया बोली तो हमें उल्हाने की कहां जरूरत है, तुम्हारो भी तो लाला है, ऐसे उधम करे नेक डांट दियो करो बहना। बोले हम ये भी कर चुकी हैं, शिक्षा मत दो। हम जब इनको आंख निकाल के डांटने के लिए आई तो क्रोश संजात हास, हमारी गुस्सा को देख के खिलखिल 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 खिलके हंस जाए। अब नजरानी इनकी हंसी को देख के हमारी गुस्सा में पानी पर जाए। मैया बोली देखो मेरो तो कोई दोष है ना, लाला उधम मचावे तुम डांट दियो करो, अब तुम्हें हंसी आ जाए तो मैं क्या करूं। बोले चोरी करें घर में जाके चोरी, और ये ठीक बात ना है। मैया बोली तुम्हें शर्म नहीं आवे, तुम जानो हो मेरे घर में 9,00,000 गाय हैं,
और तुम ये भी जानो हो मेरो लाला तीन बुलंद को है, अरे चार अंगुल को या को पेट है, मुट्ठी भर की कन्हैया की कमर है। यदि यानी चोरी करके भी माखन खाओ तो कितनों बताओ, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। एक छटाक माखन के बदले तुम उल्हानो देवे चली आई, तुम्हें शर्म ना आवे? मेरे घर से 50 मटकी माखन के ले जाओ, कोई कमी थोड़े ही है। गोपी बोली, आप तो नाराज है गई नजरानी, देखो आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो हमें बुरो ना लगे, पर ये स्वयं कब खावे? मैया बोली, तो कहा करे? बोले, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम विनति। आपको नहीं मालूम इनकी मंडली है पूरी, बाको नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, और वाके प्रेसिडेंट भी 3.5 वर्षीय कृष्णचंद्र महाराज है, लगा लो ऐसा। जिस मंडली के प्रेसिडेंट की उम्र 3.5 वर्ष की हो उसके सदस्य कितने बड़े होंगे आप अनुमान लगा लो, हैं? कितनी छोटी सी गोपाल की लीला। पहले ऊपर बैठ जाएंगे और मरकान भोक्षण बंदरन को माखन लुटा में, ठीक है, बंदरन को सखान को लुटा दियो, अरे मटकी तो छोड़ के आ जाए, भांडम भिनक्ति, धम्म से मटकी फोड़ के आते हैं और मटकी फोड़ के फिर मूछों पे ताव दे के निकलते हैं। नंद को छोरा चोरी करके जा रहे हो, काऊ रोकना है तो रोक लो, 3.5 वर्ष के अभी बोलना नहीं आता, तुतला के बोलते हैं। मैया बोली, हे भगवान, अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, अपनी मटकी को ऊपर छींके पे लटकाओ, छींको समझो, हाँ ये छोटो है ना लाला, हाथ ही ना पहुंचेगा तो करेगा कहां से चोरी। गोपी बोली, शिक्षा मत दीजिए, हम ये भी कर चुकी हैं कि हस्ताग्राय घे रची अति विधि पीत को लू खलाद्य। हमने अपनी माखन की मटकी ऊपर लटकाई तो नीचे इनने उखल खड़ो कर दियो, हम खिड़की में से देख रहे हैं और छोटे छोटे सखा सहायता कर रहे हैं, लकड़ी का उखल होता है ना, उखल खड़ा किया, उसके ऊपर एक सखा खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कियो, सबके ऊपर स्वयं पहुंच गए और मटकी में से निकाल के खाते भी जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते जा रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। अच्छा, और ऊपर लटका। एक दिन तो हमको इतनी गुस्सा आई कि हमने अपने दही की मटकी पीपल की डाली पर लटका दी और खिड़की से हम देखने लगी, ये अपनी मंडली को लेके पहुंच गए, ऐसे देख रहे हैं। सखा बोले, कहां देख रहे हो, आज तो भाभी ने मटकी ज्यादा ऊंची लटकाई है, मैं भी नंद को छोरा नहीं जो यही मटकी को दही नहीं खाए। मैया बोली, फिर कहां की हो, जाने कहां से 25 हाथ का लंबा बांस ले आए, अब अकेले पे तो उठे नहीं इतना बांस, 5-7 सखा बांस लेके आए और मटकी में ला करके नीचे से ऐसे मार दियो, नेक मटकी फूट गई, ओक लगा के नंबर वार खड़े हो गए नीचे, एक बूंद भी गिरने नहीं दिया, पूरी मटकी साफ। अच्छा, एक दिन तो हम सब गोपियों ने मिलके मटकी में घंटी बांध दी, सोची लाला जो है ये चोरी करते हैं तो माखन की मटकी उसमें हमने घंटी बांध दी, जब भी कन्हैया के मटकी पकड़े घंटी तन्न तन्न बज जाएगी, हमको पता चल जाएगी। हम खिड़की में से देख रहे नजरानी, आपके लाला जैसे ही ऊपर चढ़े एक सखा के कंधे पे तो इनको दिख गई कि मटकी में घंटी बज रही है, तो घंटी से बोलते हूं, बजना नहीं, मेरी बात मानना, बजना नहीं,
नजरानी घंटी बजी ही नहीं, वो भी इनकी बात मानती है। एक हाथ से मटकी पकड़ ली, मटकी में ऊपर रखा पल्ला खोला, घंटी नहीं बजी, खूब मटकी ऐसे ऐसे हिलाई, घंटी नहीं बजी, फिर मटकी में से माखन निकाला, फिर भी घंटी नहीं बजी, और माखन निकाल के जैसे ही मुंह में खाने लगे सो टन 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 घंटी बज गई। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु ने कहा मांगो कुछ चाहिए तो बाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तब पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तवनिवा सजगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तुभवत्तनूना। हमारी वाणी आपके गुणों को गाती रहे, कानों से आपकी कथा सुनते रहे, मन आपके चरणों में लगा रहे, और दृष्टि इतनी विचित्र बने मेरे गोविंद, दृष्टि सदाम दर्शने स्तुभवत्तनूना, आपके संतों का दर्शन करे और ऐसी दृष्टि बने कि जिसको देखें उसमें आप दिखाई दें। लेकिन दो वृक्ष गिरने से नंद जी के मन में चिंता हो गई। बाबा नंद ने कहा जादन से मेरो लाला गोकुल में जन्म लियो, कोई न कोई राक्षस आतो रहे, पहले पूतना आई, फिर सक्तासुर आयो, फिर तृणावर्त आयो, अब दो दो पेड़ गिर पड़े कन्हैया के ऊपर। ब्रजवासियों की पंचायत बुला ली नंद बाबा ने, कहा बातें बाबा? बोले भैया मैं अब गोकुल में रहनो नहीं चाहूं, मैं गोकुल छोड़नो चाहूं। कहां जाओगे बाबा? बोले चाहे हमको झोपड़ी में रहनो पड़े पर यहां नहीं रहे। कंस के दूतन को पतो चली रोज कोई ना कोई आवे, आप लोग बताओ कहां चले। तत्सुखे सुखित्वम, अपने प्रभु के सुख में ही सुख को अनुभव। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी खड़े हो गए, बोले आपने जब निर्णय कर लियो है भाई श्री, तो एक जगह मेरी नजर में है। बोले कौन सी? कि बनम वृंदावनम नाम, बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणमीरुधम। वृंदावन चलो, वृंदावन तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है। या तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति इति वृंदाव श्री कृष्ण, भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जहां नित्य निवास करें वो वृंदावन है। वृंदाव नाम है कृष्ण का, और नित्य नए रूप में कृष्ण जहां विराजित रहें वो वृंदावन है। वृंदावनम गोवर्धन, वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयुन्नप। वृंदावन चल रहे, एक बात आपको बताएं, गोवर्धन वृंदावन में है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वृंदावन 24 कोस की लंबाई में है, इसलिए नंदगांव बरसाना गिरिराज और वृंदावन ये एक ही सीमा है, ऐसा भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो,
उनके प्रति भी स्नेह रखो तो ही तुम भगवान के प्रेमी बन सकते हो। दिखावा क्यों? ओरिजिनल जिंदगी जियो, प्रदर्शन की जिंदगी नहीं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। जो महात्मन में सोचो वो वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो वही कर्म में करो। तुम गृहस्थ होकर भी परम संत बन सकते हो। बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये तो दुरात्मा का लक्षण है। और ऐसा पाखंड रूपी काली नाग जब भक्ति रूपी यमुना में आएगा तो प्रदूषण युक्त हो जाएगी, और प्रदूषण की भक्ति गोविंद को प्रिय नहीं है। इसलिए प्रभु ने यमुना रूपी भक्ति को प्रदूषण मुक्त किया। और दो बार ब्रज में आग लगी, दोनों बार कृष्ण अग्नि को पी गए, दो बार अग्नि का पान किया। एक बार सबकी आंखें खोल करके पान किया, एक बार आंखें बंद थी तो पान कर लिया। भगवान प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रकार से तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम विश्वासी तो बनो। एक बात और आपसे कहूं, चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति का नाम गोपी है। गोपी माने चिंतन की सबसे ऊंची अवस्था। ध्यान से सुनना, जिसका सोचना, जिसका करना, जिसका गाना, जिसका सोना, जिसका हंसना सब कृष्ण के लिए है, वो गोपी है। गोपी किसी लहंगा फरिया को नहीं बोलते, किसी स्त्री को नहीं बोलते। गोपी एक पद्धति है, गोपी एक विधा है। आप बरेली में बैठे हैं, लेकिन आपका चिंतन यदि पक्का है, ध्यान से सुनना, यदि चिंतन आपका पक्का है तो इस समय वृंदावन में बांके बिहारी लाल ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है ये तुम बरेली में बैठे बैठे देख सकते हो। यही गोपी भाव है। और चिंतन यदि पक्का नहीं है तो हम वृंदावन में चले भी गए, मंदिर में घुस भी गए, तो भी हमें फुब्बारे दिखाई देंगे, बिहारी जी दिखाई नहीं देंगे। चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति का नाम गोपी। और कहते हैं भगवान जब गौ चराने के लिए जाते हैं अपने मित्रों के संग तो गोपियां घर में बैठी हैं, ऐसा लिखा है। बिजली को मात करने वाला जिनका पीतांबर है, और ग्वाल मंडली के साथ में वेणु का निनाद करते कृष्ण जा रहे हैं। वेणु का मतलब क्या है? वह ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तव अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए वो वेणु है। जिसको सुनकर विषयानंद भूल जाए तो ब्रह्मानंद भी भूल जाए, वो वेणु। ग्वाल बाल कीर्ति का गान करते चल रहे, और 5 किलोमीटर दूर वृंदावन के सघन वन में कृष्ण गाय चरा रहे, और गोपियां आंखें बंद करके अपने घर में बैठी हैं। ध्यान से सुनना, और घर में बैठी बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण की प्रत्येक लीला का दर्शन कर रही हैं, ऐसा वेणु गीत में वर्णन है। आज की सबसे सुंदर लीला गोवर्धन धारण महोत्सव हम कर रहे हैं। गोवर्धन ही गोवर्धन है, गाय का वर्धन। और अब 2-3 लीलाएं ऐसी हैं, गोवर्धन लीला, रुक्मणी विवाह, इन सब में सब भक्तों की इच्छा होती है कि हम लोग पूजा में चढ़ाएं, कुछ करें। ऐसा होगा तो फिर मैं नीचे आप ऊपर,
इसलिए व्यवस्था ये की गई गोवर्धन लीला में आप सबकी सहभागिता हो, आप सबको लगे कि हम लोग भी गौ सेवार्थ पूजा कर रहे हैं। राधा माधव संकीर्तन मंडल के द्वारा संचालित जो गौ सेवा है, जो देवस्थली इस्कॉन मंदिर पर है, वो गौशाला राधा माधव संकीर्तन मंडल के द्वारा संचालित है। और आज गोवर्धन है, गाय का वर्धन। अब आप सब लोग आकर के गौ सेवार्थ यहां चढ़ाएंगे तो कथा कैसे होगी? इसलिए सबके लिए व्यवस्था की गई, कुछ स्वयं सेवक झोली लेके आएंगे या जो भी व्यवस्था होगी उसमें आप लोग अपनी गौ सेवार्थ सेवा समर्पित करेंगे और उसमें एक छोटी सी सेवा व्यास गद्दी से समर्पित हो रही है, छोटी सी 1100 रुपए की। आप सब लोगों को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। गोवर्धन की कथा आरंभ हो और आपकी तरफ से गोवर्धन प्रारंभ हो जाए, गाय का वर्धन। सब लोग उसमें सहयोग, और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य। आज मैंने आपको कथा के बीच में गौ सेवा, गौरी सेवा, गाय सेवा के प्रति बहुत आग्रह किया। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है, हम सब लोगों को उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अपने पुण्य की कमाई का कुछ भाग गौ सेवा को समर्पित करें, इससे बड़ा पुण्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गिरिराज जी का अभिषेक किया, सबने मानसी गंगा का जल प्रकट हो गया और परिक्रमा देखे आए, एक रूप से दो भुजा वाले कृष्ण खड़े और चार भुजा लेकर पर्वत पे प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, बोलिए गोवर्धन नाथ की। नंद बाबा बोले लाला इंद्र की पूजा करते करते बुढ़ापो आ गयो, परवाने प्रकट है कि दर्शन कब उनाए दिए। तेरे गिरिराज जी कितने अच्छे, एक बार की पूजा में दर्शन दे रहे। मधमंगल बोले दर्शन तो दे रहे कन्हैया, पर या गिरिराज को मोह बिल्कुल तेरे जैसा ही है। अब ये कैसे बोले, मैं ही तो हूं, आप ही पूजे आप पूजावे, आप ही खावे आप खवावे, सब कुछ तो आप ही है। ब्रजवासी प्रेम से पबाते जाएं, प्रभु भोग लगाते जाएं, चारों हाथन से खामे। जब भोग लग गयो बहुत समय तो चलते ही रहो, एक सखा तो कृष्ण के कान में आए के बोल्यो कि तेरो गिरिराज बाबा बहुत दिनों को भूखो दिखे, देखियो कैसे खाए रहे हुए। पर एक कान में आए के बोलो क्यों भैया कि तेरो गोवर्धन नाथ कथु प्रसाद फरसाद छोड़ेगो के ना है। कृष्ण बोले ऐसे ना है, बोले प्रेम से पाए रहे, प्रभु ने भोग लगायो। नारद जी ने जाकर के सूचना दे दी देवराज इंद्र को, गणम संबर तखम नाम मेघारम अंधकार, इंद्र है प्राजोदित क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्वित। देवराज ने कहा मेरी इतनी पुरानी चली आ रही पूजा बंद करा दी 7 वर्ष के कृष्ण ने, अभी कृष्ण की उम्र है 7 वर्ष की और हम देवताओं का अपमान किया। गड़गड़ करके बारिश हुई, पूरा ब्रजमंडल बहने लगा, मूसलाधार बरसा। रोते रोते ब्रजवासी आए, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया बचाओ भैया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हति देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। सालग्राम जी ऊपर विराजमान। कन्हैया ने क्या किया मालूम, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 वर्ष के मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली के नख पे रख लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। ब्रजवासी बोले अरे देखियो भैया
यज्ञ से लाला ने इतनो बड़ो पर्वत उठाई लियो, अरे गिर न पड़े गिरिराज लाल मेरो 1200। सबने छड़ी लगाई दी नी, तू चिंता मत करे लाला, हमने छड़ी लगा रखी है, तू घबरावे मत कन्हैया। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि तक रखा। जब 3 दिन है गए तो ब्रजवासी बोले, लाला तू हार गो होगो, निकर सो जा। कृष्ण बोले, मैं सोऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, बोले चिंता मत करें, हमने छड़ी लगा रखी है। कन्हैया बोले, हम भगवान है इसलिए हमने उठाया है। काहे तू अब के बोली हो भगवान, कौन सा काम कियो तू भगवान है? बोले हमने पूतना मारी। ब्रजवासी बोले, मरी मराई में 10 डंडा तो हमने लगाए, हमका तो ते कम है। अरे छोटो बालक है, हार गो हो गो, या लिए हम बोल रहे हैं कि विश्राम कर ले। अच्छा बोले हाँ। कन्हैया ने उंगली ढीली करी तो चट चट छड़ी टूटबे लग गई। अरे संभाल 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 भैया। ब्रजवासी बोले, लाला हमारी इतनी मोटी छड़ी टूट गई, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई बता? बोले कछु माखन को